मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा चुनावों में बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी एक प्रेस वार्ता में ये घोषणा करी कि वह भी इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेगी। देखिए कैमरामैन अमित के साथ साउथ सिद्दीकी की खबर SS के लिए भोपाल से एक रिपोर्ट। बहुजन मुक्ति पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किन मांगों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और क्या एजेंडा है आप उनकी आगामी विधानसभा चुनाव? बहुजन मुक्ति पार्टी का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मध्य प्रदेश में जो हो रहे चुनाव के संदर्भ में, जैसे तो 5 राज्य में चुनाव है, 4 राज्य में हम लोग चुनाव लड़ा रहे, तेलंगाना में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुजन मुक्ति पार्टी 230 सीटों पर अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। फर्स्ट पेज में हम लोगों ने 42 का सूची जारी किया आज, और दूसरी पार्टियां जो संवैचारिक या कॉमन मुद्दे मुद्दों के आधार पर अगर तालमेल होता है तो गठबंधन के बाद दूसरा लिस्ट हम लोग जारी करेंगे। अलग अलग पार्टियों से बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में जो चुनाव की तैयारियां चल रही है उसके तहत आज गठबंधन बुलाई है। बहुजन मुक्ति पार्टी 230 सीटों पर अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। अभी फर्स्ट सूची हम लोगों ने जारी किया है 42 की, और अन्य पार्टियों से 7-8 पार्टियों से और बात चल रही है। शाम तक वो फाइनल होने के बाद कल दूसरी सूची जारी कर दी है।